अब तक आपने देखा कान्हा का सत्य जानने हेतु राहु उन्हें खोजता यमुना तट पर पहुंच जाता है, किंतु भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के दिव्य प्रकाश के कारण वो कुछ भी देख नहीं पाता। कान्हा गुलेल से यमुना पर पत्थर फेंकते हैं जो पानी में भंवर बना अघासुर को जल की सतह पर फेंक देता है। नारायण का विराट रूप देख अघासुर वहां से भाग जाता है तथा कान्हा उसे रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु अघासुर कान्हा को भी अपने उदर में समा लेता है। कान्हा के भार से अचानक अघासुर की गति रुक जाती है। अब आगे सब कुछ ही क्षणों में होगा। ब्रजमंडल में उत्सव, मृत्यु का उत्सव, और मथुरा में होगा आनंद और प्रसन्नता का महा उत्सव। कंस, कंस अपने ग्रहों की गणना भूल गया तू, गणना भूल गया तू। ये देख कंस कुछ ही क्षणों में मंगल, कुछ क्षणों में मंगल अपने उच्च स्थान पर आकर राहु पर सीधी दृष्टि डालेगा, दृष्टि डालेगा। इसका अर्थ जानते हो कंस, जानते हो कंस? इसका अर्थ है, इसका अर्थ तेरे राहु पर संग, राहु पर संग। राजा तू है मेरे जीवन का संकट, जीवन का संकट। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ब्रजमंडल की सीमा पार क्यों नहीं कर पा रहा हूं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे रोक रही है? नारायण नारायण प्रभु। राहु जैसा शक्तिशाली ग्रह जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरता रहता है, आज वो भी ब्रजमंडल की सीमा को लांग नहीं पा रहा है प्रभु। इस अपमंत्रित जल में ऐसी कौन सी शक्ति है प्रभु? ये प्रेम की शक्ति है देव ऋषि। प्रेम की शक्ति? आप तो जानते हैं देव ऋषि कि मेरे परम भक्त हनुमान को सिंदूर अति प्रिय है, इसलिए जब भी कोई कहीं भी उन भक्ति और प्रेम के साथ सिंदूर चढ़ाएगा तो वहां सिद्ध हनुमान का वास स्वयं ही हो जाएगा। देव ऋषि, यशोदा मैया ने सिंदूरी जल के साथ ब्रजमंडल के 84 कोस की सीमा की परिक्रमा की, इसलिए मेरे परम भक्त हनुमान की इच्छा के बिना ना तो कोई नकारात्मक शक्ति इस सीमा के भीतर आ सकती है और ना ही कोई शक्ति बाहर जा सकती है। केवल इतना ही नहीं देव ऋषि, आज के बाद जो कोई भी ब्रजमंडल के 84 कोस की यात्रा करेगा तो उसके जीवन की सभी ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। नारायण नारायण सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। मेरे प्यास का अगर पे कोई प्रहरी नहीं भर रहा है। भार, मैं इतना निर्बल कैसे हो सकता हूँ कि अपना ही भार ना ढो सकूं? विष्णु, तेरी कोई भी माया मुझे रोक नहीं सकती। ये तो गौ माता का सिंह है। बाबा कहते हैं जब गौ माता को नया सिंह आता है तो पुराना सिंह स्वयं ही निकल जाता है, और ये सिंह अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस पवित्र सिंह से कोई भी अधर्म अत्यंत शक्तिशाली नहीं हो सकता। अगस्त्य, जिन गायों का प्राण तुमने संकट में डाला है उन्हीं गायों के पवित्र सिंह से मैं तुम्हें दंड दूंगा। नहीं, ये कैसी शक्ति है? मैं इसे सहन क्यों नहीं कर पा रहा?
अगस्तों में मेरे ताप से लौ भी पिघल जाता है। रुक जा कान्हा, अन्यथा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जीवन में बार बार चला आता, क्या चाहता है मुझ? मेरा रूप धारण करके तू मुझे भयभीत करना चाहता है। मैं भगवान हूं, बड़ा भगवान कंच। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मुस्कुरा क्यों रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं भली भांति जानता हूँ कि तू कौन है, पर तू स्वयं को नहीं जानता। तू सत्य से बहुत दूर चला आया है, तब भी समय है, तब जाग जाए, पहचान स्वयं को, इन ग्रह नक्षत्रों की चाल से नहीं, अपनी चाल से चल, जिस तरह तू जन्म जन्मांतर से चलता आया है। मेरे जन्म जन्मांतर का सत्य बताने वाले, तू बता, तेरा रहस्य क्या है? स्वयं को भूल गया है, इसलिए मैं तुझे रहस्य लग रहा हूँ, जबकि सत्य तो ये है, कि मैं तेरा विस्तार हूँ, जन्म जन्मांतर विस्तार। शेखा, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ कान्हा। कान्हा, तो क्या हम सभी ग्वाल बाल इतने दिनों से अगासुर के उधर में थे कान्हा? हाँ शेखा, किंतु अब चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अब ना अगासुर है ना उसका उधर। कान्हा, तुमने हमारा और सभी ग्वाल वालों का जीवन बचाया, इसलिए हम तुम्हारे सभी ऋणी हैं। जीवन सखा केवल सखा होता है, उसके लिए कोई ऋणी नहीं होता। और आज मैंने अपने धर्म का पालन किया है। यदि मेरे स्थान पर तुम होते तो तुम भी यही करते। सखाओ, अब तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इससे पहले मेरी वास्तविक सखा गोकुल पहुंचे, उनके प्रतिरूपों को वापस बुलाना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते सखाओं का संकट तो दूर हो गया, किंतु बीजवासियों का संकट तब तक दूर नहीं होगा जब तक राहु को उसके बुरे कर्मों का दंड ना मिल जाए। कौन है जो मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है? अभिमंत्रित जल अर्थात कोई है जो मुझे प्रेम और भक्ति से रोकने का प्रयास कर रहा है। ये अभिमंत्रित जल राहु को तो रोक सकती है, किंतु नंद को नहीं।
कान्हा तुम? हाँ राहु, मैं कान्हा हूँ। तुम मुझसे मिले भी नहीं जा रहे थे। राहु, तुम किसकी बातें कर रहे हो? मैया कहती है हमें इतने बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ये स्वयं को पहचानने में ला जाए। इसलिए तुम स्वयं को पहचानने से मना कर रहे हो राहु? हाँ, तुम बार बार मुझे राहु क्यों पुकार रहे हो? अरे मैं तुम्हारा बाबा हूँ, नंद बाबा। राहु, कहने से लोहा सोना नहीं बन जाता। तुम्हारा सत्य में जान चुका हूँ राहु। मुझे तुम पर संदेह तब से ही हो गया था जब से तुमने गोकुल वासियों और बरसाना वासियों में फूट डालने का प्रयास किया था। जिन्होंने भी हमारा दूध माखन चुराया है उन्हें हमें दंड देना होगा। आप केवल हमें उनका नाम बता दीजिए। बरसाना के लोगों ने, किंतु गुरुदेव गर्गाचार्य से तुम्हारा सत्य जानकर अब संदेह का कोई स्थान ही नहीं बचा है। गर्गाचार्य, जब तक अपराधी को उसके अपराध का दंड नहीं मिल जाता तब तक इस समस्या का अंत कैसे हो सकता है? अब तो तुम केवल मुझे जानते हो कान्हा, राहु को नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि राहु को देखकर तुम सत्य में मैया मैया करने लगो। ध्यान से देखो कान्हा, अपनी मृत्यु राहु को। राहु, मैया कहती है कि तुम मृत्यु के भय से चोरी छुपे देवताओं की सभा में जाकर अमृत पान कर रहे थे और तब भी तुम अपना शीश नहीं बचा पाए। बड़ बोले बालक। डरो मत राहु, मैं तुम्हारा कोई हेत नहीं करूंगा। बस तुम मुझे ये बता दो कि मेरे बाबा कहाँ हैं? तुम्हारी मैया तो सब कुछ बताती है ना तुम्हें, तो ये भी जाकर अपनी मैया से पूछ लो कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। राहु, यदि तुमने मेरे बाबा का पता नहीं बताया तो क्या करोगे? दंड दोगे मुझे? नंद के लल्ला, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर साहस है तो मुझसे युद्ध करो। मैया कहती है हमें अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान वही करता है कान्हा जिसके पास शक्ति होती है। तुम भूल गए राहु कि स्वयं को शक्तिशाली समझने वाले कंस के योद्धाओं के साथ मलयुद्ध में क्या हुआ था। कान्हा, मैं कंस का कोई शक्तिहीन योद्धा नहीं हूँ जिसे तुम छल से पराजित कर सको। राहु हूँ मैं, राहु। यदि तुम अपने पापा का सत्य जानना चाहते हो तो बातें नहीं, मुझसे युद्ध करो। राहु, तुमने मेरे बाबा का रूप धारा था इसलिए तुम मेरे बाबा की तरह ही सम्मानी हो, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। प्रेम से पूछता हूँ कि बता दो मेरे बाबा कहाँ है। कान्हा, तुम अपने भाई को सम्मान का आवरण पहना रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ मुझसे बातें करते रहो और वहाँ तुम्हारे बाबा के प्राण पखेरु उड़ जाए। प्रभु, राहु के अधर्म को समाप्त करने का एक ही मार्ग है, उसे दंड देना। तब भी आप उसकी चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे प्रभु? हाँ प्रभु, उडंडी राहु परम पिता ब्रह्मा के सभा में स्थान पाने के बाद भी असुरी कार्यों में सम्मिलित रहता है प्रभु, इसीलिए उसे दंड देना अति आवश्यक है प्रभु। राहु को दंड अवश्य मिलेगा किंतु मेरे द्वारा नहीं, क्योंकि अमृत पान के समय जब मैंने राहु का शीश उसके धड़ से अलग किया था तब मैंने उसे ये वचन दिया था कि भविष्य में मैं कभी भी उस पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। किंतु प्रभु, यदि आपने राहु को दंड नहीं दिया तो यशोदा नंदन को उनके पिता नंद का रहस्य कैसे पता चलेगा? एक मार्ग है, यदि तुम अपने बाबा का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तुम्हारा रहस्य बताना होगा। पाल गोपाल कान्हा, तुम किस रहस्य
दूसरे की बात कर रहे हो। मैं जो भी हूँ वैसा भी हूँ, तुम्हारे सम्मुख हूँ, मेरा कोई भेद नहीं, मेरा कोई रहस्य नहीं। तो तुम्हें लगता है कि कोई साधारण बालक इतनी निर्भक्ता से राहु के सम्मुख खड़ा हो सकता है? उतना उत्कच्छ, श्रीधर, बकासुर जैसे शक्तिशाली असुर जिन्हें देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे, वो एक साधारण बालक के हाथों मारे थे। साधारण बालक के हाथों नहीं, अपितु अपने अधर्म के हाथों से लेकर अगासुर की हत्या उनके अधर्म के कारण हुई है। अगासुर, अगासुर भी मारा गया? अभी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा कोई रहस्य नहीं है, तुम में कोई दिव्य और अलौकिक शक्ति नहीं है? हे घट घट वासी अविनाशी भगवान, अविनाशी नहीं अविश्वासी भगवान, जिस कंस ने तुम्हें भगवान बनाया तुमने उसी के साथ छल कर दिया। क्या मांगा था तुमसे? गोकुल में मृत्यु का तांडव, और दिया क्या गया मुझे? केवल अगासुर की मृत्यु। इतने वर्षों से मैं तुम्हारी पूजा अर्चना आराधना करता रहा, प्रतिदिन दो दो बार आरती करता रहा, लोगों से करवाता रहा, क्या मिला मुझे? मेरे अपने प्रिय असुरों की मृत्यु। क्यों, क्या कठिन था तुम्हारे लिए? समझ गया, तुम तो भगवान हो ही नहीं, तुम तो केवल एक प्रतिमा हो, एक निर्जीव प्रतिमा। मेरी आकाशवाणी मिथ्या कर दी, तुम्हारे कारण बार बार ब्रजवासियों के समक्ष मैं पराजित होता रहा, लज्जित होता रहा, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। उसे जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं। आज मैं तुझे खंड खंड कर दूंगा, अपनी प्रत्येक पराजय का प्रतिशोध लूंगा मैं तुझसे, सबकी मृत्यु का दंड तुझे भुगतना होगा भगवान। जो पराजित हो जाए प्रभु हो ही नहीं सकता। कंस, तुम राहु, यदि तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझ में कोई दिव्य और अलौकिक शक्ति है तो बोलो मेरे बाबा कहाँ हैं? मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था अपने बाबा का जीवन बचाने का, किंतु मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बाबा से तनिक भी प्रेम नहीं है। तो ठीक है, तुम यहां खड़े खड़े अपने बाबा की मृत्यु की प्रतीक्षा करो, और मैं चला। हेलो राहु, हेलो राहु, तब तक तुम मेरे बाबा का पता नहीं बता देते तब तक तुम यहां से नहीं जा सकते। तुमने स्वयं कहा है ना कि तुम मुझसे युद्ध नहीं करोगे, तो कौन है जो इस राहु को रोकेगा?